Hey, my creative and amazing learners, आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न आर्टिस्ट. ऑन डिमांड आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन फ्रेम की हूँ. काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न आर्टिस्ट से डेफिनेटली यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर फाइन आर्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कला जगत में अवनी बाबू को किस नेम से जाना जाता है? अवनीनाथ टैगोर, रविनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर यामिनी रॉय. कला जगत में अवनीनाथ टैगोर को अवनी बाबू के नेम से भी जाना जाता है जिनका जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था. बंगाल स्कूल के फाउंडर कहे जाते हैं, बंगाल स्कूल के फाउंडर लाइक जन्मदाता कहे जाते हैं. बंगाल स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट का टाइम है 1895 से लेकर 1920 तक का. यहाँ पर 1905 से लेकर 15 तक प्राचार्य रहते हैं अवनीनाथ टैगोर. रविनाथ टैगोर इनके रिलेशन में अंकल कहेंगे जाएंगे और ये दोनों हैं. नंदलाल बोस इनके स्टूडेंट हैं. ओके, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा पेंटिंग है? हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सी पेंटिंग है? कृष्णराज नृत्य, महाकाली, सरस्वती या फिर दी फ्लैम ऑफ म्यूजिक. सो हियर द राइट आंसर इज बी, द फ्लैम ऑफ म्यूजिक. बहुत फेमस पेंटिंग है असित कुमार हल्दर की मधुरता के महान स्मारक से रिलेटेड. नेक्स्ट, देव प्रसाद रॉय चौधरी थे चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार या फिर इतिहासकार. देवी प्रसाद रॉय चौधरी जिनका जन्म 1899 में ताजघाट बांग्लादेश में हुआ था. ताजघाट बांग्लादेश बेसिकली फेमस रहे थे स्कल्प्टर के फील्ड में, बट इन्होंने पेंटिंग्स भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनाई हैं, लेकिन इनको ख्याति मिली थी मूर्तिकार के रूप में. देवी प्रसाद रॉय चौधरी इनके कुछ स्कल्पचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इन्होंने श्रम की विजय बनाए थे 1954 में नगमा में सीमेंट और कंक्रीट में, और 1959 में ये बनाए थे मरीना बीच चेन्नई में श्रम की विजय ब्रॉन्ज में. ओके, नेक्स्ट, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने नाम उपनाम में मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं? उपनाम मास्टर मोशाय के नेम से प्रसिद्ध थे. ए एन टैगोर, जी एन टैगोर, हल्दर या फिर नंदलाल बोस. सो हियर द राइट आंसर इज डी, नंदलाल बोस. ही वॉज फेमस फॉर नेम वॉज कॉल्ड मास्टर मोशाय. नंदलाल बोस अवनीनाथ टैगोर के फेमस लाइक प्रिय शिष्यों में इंक्लूडेड किए जाते हैं. अवनीनाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल के इस्टेब्लिशमेंट किए थे वो स्कूल किस लिए, किस नाम से विख्यात है? बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, कलकत्ता या फिर पटना. नो डाउट बंगाल स्कूल को ठाकुर शैली, पुनरुत्थान कला काफ़ी नेम से जाना जाता है, बट यहाँ पे एक्चुअल में बंगाल है तो यही करेक्ट होना है. ओके, बाकी इस स्कूल को बहुत सारे अनदर नेम से जाना जाता है, ठाकुर शैली, पुनरुत्थान काल, पुनर्जागरण काल, रेनेसेंस आर्ट. इवन इसका टाइम ड्यूरेशन है 1895 से लेकर 1920 तक का. ओके, नेक्स्ट, अवनीनाथ टैगोर या फिर अवनीनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना हुआ पेंटिंग्स कौन सा है? ए एन टैगोर की कम्प्लीटली पेंटिंग जो पूर्णतः भारतीय है लाइक भारतीय शैली में बना है, उनकी पेंटिंग्स थी शुक्ला भी सारे, भारत माता इन्होंने बनाए थे 1905 ईस्वी में. सर्वप्रथम ये वॉश टेक्निक में कही जाती है और शुक्ला भी सारे भारतीय शैली, पूर्णतः भारतीय शैली में थी. इन्होंने शाहजहाँ की मृत्यु भी बनाए थे और संध्या दीप भी बनाए थे. अवनीनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे? 100, 400, 200 या फिर 1000. सो अवनीनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग्स बनाई थी वो 400 समथिंग कुल पेंटिंग्स पूछी जा रही है, और 1000 से रिलेटेड आप याद रखिएगा गगनेन्द्रनाथ टैगोर को, 2500 से आप याद रखिएगा 2500 पेंटिंग्स बनाए थे आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर. ओके,
और 10,000 भी याद रखिएगा, 10,000 समथिंग पेंटिंग स्केचिंग प्रिंट मेकिंग सब इंक्लूड करके नंदलाल बोस ने बनाए थे। देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर संग्रहित है या फिर सुरक्षित है? आरसीएल कला वीथिका अहमदाबाद, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली या फिर कोलकाता संग्रहालय। देवी प्रसाद राय चौधरी की जो श्रम की विजय है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर, तो ट्रम्प ऑफ लेबर इन्होंने 1959 में बनाए थे मरीना बीच चेन्नई में, और 1954 में इन्होंने बनाए थे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं, भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कौन कहे जाते थे? ईवी हैवेल, अवनीश टैगोर, राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता जो कहे गए हैं वो अवनीश टैगोर कहे गए हैं। ओके, सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किए थे? सांथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किए हैं? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी रॉय या फिर असित कुमार हल्दर। सांथाल स्त्रियों को चित्रित किए थे नंदलाल बोस। अगर पूछ लिया जाए कि सांथाल महिला किसने चित्रित किया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो सांथाल महिला चित्रित किए थे यामिनी रॉय। यामिनी रॉय नाम से लग रहा है ना कि फीमेल आर्टिस्ट हैं, बट ये मेल आर्टिस्ट हैं, तो नाम से लग रहे हैं तो याद रखिएगा कि सांथाल महिला इन्होंने चित्रित किया। और अगर सांथाल फैमिली पूछ लिया जाए तो सांथाल फैमिली तो आपको पता ही है रामकिंकर बैच की है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस टेक्निक का प्रयोग किए थे? बंगाल शैली के चित्रकारों ने मोस्टली वाटर कलर वॉश टेक्निक का ही इन्वेंशन किए थे, और वॉश टेक्निक के लिए बंगाल स्कूल फेमस रहा था। और वॉश टेक्निक किया किससे जाता है, तो याद रखना है आपको वाटर कलर से किया जाता है। देवी लालकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की थी? मुंबई, जयपुर, इंदौर या फिर पुणे में। देवी लालकर से हुसैन ने जो पेंटिंग्स का एजुकेशन लिए थे वो इंदौर में लिए थे। इंदौर कला विद्यालय की स्थापना भी हुई थी 1927 में। ओके, वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के चित्रकार लाइक भैंसों के कलाकार कहे जाते हैं? भैंसों की पेंटिंग्स मोस्टली इन्होंने बनाई थी, उनका नेम था परमानंद चोयल। गोवर्धन लाल जोशी बाबा क्यों फेमस थे? भीलों के चितेरे कहे जाते हैं ना, भीलों के चितेरे। अब मंजीत बाबा गायों के चितेरे कहे जाते हैं। ओके, और राम कुमार एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप के लिए फेमस हैं, एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप। विचित्रा क्लब का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था जोरासाको में? 1915 किसने किया, तो नाम याद रखना है आपको आर एन टैगोर ने। निम्न में से कौन ए एन टैगोर का शिष्य थे? देव प्रसाद राय चौधरी, शांति दवे, जिया संतोष या फिर गुलाम मोहम्मद शेख। ए एन टैगोर लाइक अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है देवी प्रसाद राय चौधरी। इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से एजुकेशन लेने के बाद एज अ टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं 1929 में मद्रास कला विद्यालय में। ओके, जापानीज वॉश पेंटिंग, जापानी वॉश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? वी एस गायतोंडे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सुनैना देवी। जापानीज वॉश चित्रों से जो इन्फ्लुएंस्ड आर्टिस्ट कहे जाते हैं उनका नेम है अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने वॉश टेक्निक सीखे थे किससे? जापानीज आर्टिस्ट याकुयामा ताइकोन हिसिंदा। जब इंडिया आते हैं 1902 में तो अवनींद्रनाथ टैगोर उनसे वॉश टेक्निक सीखते हैं, जापानीज आर्टिस्ट से याकुयामा ताइकोन हिसिंदा से। रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कौन सा कार्य रहा था? कौन सी इनकी पेंटिंग्स है सबसे ज़्यादा फेमस? राजस्थानी परिवार, सांथाल परिवार, न्यूड या फिर पहाड़ी परिवार।
रामकिंकर बहज का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस स्कल्प्टर है सांथाल फैमिली, जिसे हिंदी में सांथाल परिवार कहते हैं। रामकिंकर बहज ने 1938 में ये सांथाल फैमिली वाले स्कल्प्चर बनाए थे। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, प्रभाववादी, घनवादी, रंगवादी या फिर आकारवादी? सैलोज मुखर्जी की जो पेंटिंग्स थी वो किस प्रकार की थी? इनकी पेंटिंग्स रंगवादी कही जाती हैं और भारत के फाववादी कलाकार कहे जाते हैं। सैलोज मुखर्जी भारत के फाववादी कलाकार और इनकी पेंटिंग्स का जो इसका स्टाइल था वो रंगवादी था। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? देव प्रसाद राय चौधरी, ही वॉज अ फेमस स्कल्प्टर आर्टिस्ट। आपको पता है ना कि सुधीर रंजन खास्तगीर, ईश्वरी प्रसाद, मुकुल चंद्र डे, दिस ऑल आर फेमस आर्टिस्ट। इवन मुकुल चंद्र डे, ही वॉज अ फेमस फॉर प्रिंट मेकिंग। भारत माता किसकी पेंटिंग है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ए एन टैगोर, जी एन टैगोर या फिर सुरेंद्र कुमार? भारत माता बहुत फेमस पेंटिंग कही जाती है, किसकी पेंटिंग है? अबना टैगोर ने बनाए थे 1905 में। ये कम्प्लीटली वाटर कलर में बनाई गई वॉश टेक्निक की इनकी पेंटिंग है। क्षितेंद्रनाथ मजुमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हुए हैं, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वॉश चित्रकला या फिर टेम्परा? क्षितेंद्रनाथ मजुमदार अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट, जिन्होंने वॉश टेक्निक का प्रचार प्रसार अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किए थे, ये वॉश चित्रकला से जुड़े हुए आर्टिस्ट कहे जाते हैं। मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 के प्रथम प्राचार्य बने थे लॉकवुड क्रिपलिंग। ओके, और अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे, तो प्रथम भारतीय हो जाएंगे समरेंद्रनाथ गुप्त, लाइक दिस वन। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन कहे जाते हैं? जख्म वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, के जी सुब्रमण्यम, जैनुलाब्दीन, सोमनाथ होर या फिर चित्तो प्रसाद? जख्म सीरीज को कैप्चर किए थे सोमनाथ होर, जिनका जन्म 1921 ईस्वी में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। इन्होंने जो जख्म बनाए थे, जिसे इंग्लिश में वुंड सीरीज बोलते हैं, वुंड सीरीज, ये बनाए थे पेपर पल्प में। पेपर पल्प प्रिंट मेकिंग का इन्वेंशन सर्वप्रथम भारत में इन्होंने ही किया था। और के जी सुब्रमण्यम ने सर्वप्रथम इंडिया में किसका इन्वेंशन किए थे, तो ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का इन्वेंशन किए थे। बंगाल शैली के जनक कौन हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ए एन टैगोर, जी एन टैगोर या फिर नंदलाल बोस? बंगाल शैली के जनक कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। वॉश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ था, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या फिर शांति निकेतन? वॉश टेक्निक जो वाटर कलर से की जाती है, उसका इन्वेंशन फर्स्टली हुआ है इंडिया में कोलकाता बंगाल में, बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक वाटर कलर से। 1902 ईस्वी में जापानीज आर्टिस्ट आए थे, याकुयामा ताइकोन हिसंदा, जापानी कलाकार याकुयामा ताइकोन हिसंदा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग सीखे थे। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, ऑयल पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, वॉश टेक्निक या फिर मिनिएचर पेंटिंग टेक्निक? बंगाल शैली बेसिकली वॉश पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। भारत कला लाइक भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है, इंडियन आर्ट में जो रिनेसेंस आर्ट का एक शुरुआत होती है, फिर भारतीय आधुनिक कला की शुरुआत जो हो जाती है इंडिया में, वो बंगाल स्कूल से ही शुरू होते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी रॉय या फिर नंदलाल बोस? पुनरुत्थान कला युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कह रहे हैं या फिर ठाकुर शैली के, बंगाल स्कूल के फाउंडर, जन्मदाता सब कहे जाएंगे अवनींद्रनाथ टैगोर को ही। क्वेश्चंस पूछने का स्टाइल टर्म जरूर चेंज हो सकता है, बट उसका आंसर एक ही होना है।
भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है? मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कोलकाता स्कूल से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया में भारतीय आधुनिक कला की जो शुरुआत होती है वो बंगाल स्कूल से ही हो जाती है, जिसका टाइम 1895 से लेकर 1920 तक का माना गया है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल शैली, बंगाल शैली, यूरोपीय शैली, या फिर कंपनी शैली? भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? बंगाल शैली को। औरंगज़ेब का बुढ़ापा किसकी पेंटिंग है? औरंगज़ेब का बुढ़ापा बहुत फेमस पेंटिंग है, किसकी है? ए एन टैगोर की। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपनी पेंटिंग्स बनाए थे? तो ज़्यादा से ज़्यादा अवनींद्रनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग्स अपनी बनाई हैं वो वॉश टेक्निक, वाटर कलर से ही बनाए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु, स्टार्टिंग के इनके आर्ट टीचर कौन थे? स्टार्टिंग आर्ट टीचर कहे जाते हैं इटालियन कलाकार गिलहार्डी। गिलहार्डी से इन्होंने पेस्टल कलर सीखे थे, पेस्टल कलर। निम्न में से कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं है? सुखवीर सिंह सिंघल, एस जी श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्य, या फिर हरिहर लाल मेड? एस जी श्रीखंडे वॉश शैली से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक फेमस स्कल्पर आर्टिस्ट है, मूर्तिकार। औरंगज़ेब का बुढ़ापा नामक चित्र सुरक्षित है बोस्टन संग्रहालय में, शाही पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय रामपुर, रजा लाइब्रेरी रामपुर होना था, राज्य पुस्तकालय, या फिर रजा लाइब्रेरी रामपुर, या फिर बौद्ध संग्रहालय। औरंगज़ेब का बुढ़ापा ये एग्जिबिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग कही जाएगी, राज्य पुस्तकालय या फिर रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। वॉश पेंटिंग पद्धति के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार, ए एन टैगोर, या फिर नंदलाल बोस? वॉश पेंटिंग के जो जन्मदाता फाउंडर कहे जाते हैं वो हैं ए एन टैगोर। देवप्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? लखनऊ आर्ट स्कूल, जयपुर स्कूल, मद्रास आर्ट स्कूल, या फिर कोलकाता आर्ट स्कूल? देवप्रसाद राय चौधरी मद्रास कला विद्यालय के प्रोफेसर बने थे, कब? 1929 समथिंग। इन्होंने एजुकेशन ली थी अवनींद्रनाथ टैगोर से और मद्रास कला विद्यालय में वॉश टेक्निक का प्रचार प्रसार किए थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कोलकाता में, दिल्ली में, जोरासाको में, या फिर मुंबई में? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था जोरासाको, पश्चिम बंगाल में, 1871 समथिंग, 1871 में। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन थे? ए एन टैगोर, जी एन टैगोर, आर एन टैगोर, या फिर उपरोक्त में से सभी? अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत फेमस रहे थे, इन्होंने भारत माता पेंटिंग बनाया। और अगर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात कही जाए, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट किसने बनाए थे भारत माता पेंटिंग? एम एफ हुसैन का, याद रखिएगा, पिंक कलर के टोन में, और भारत माता इन्होंने वॉश टेक्निक में बनाए थे। टर्म्स ऑफ लेबर, लेबर एट वर्क, ये स्कल्प्टर किसकी है? हिंदी में बोलते हैं श्रम की विजय। देवप्रसाद राय चौधरी ने ये स्कल्प्टर दो जगह बनाए थे, एक तो इन्होंने 1954 में बनाए थे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में, सीमेंट और कंक्रीट में, ठीक है। और दूसरे स्कल्पचर इन्होंने बनाए थे 1959 वाली जो इनका स्कल्प्टर है देवी प्रसाद राय चौधरी का, वो बनाए थे ब्रॉन्ज में, ब्रॉन्ज लाइक कांस्य में बनाए थे, मरीना बीच चेन्नई, ओके। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किए? धनराज भगत, देवप्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, या फिर प्रदोष दास गुप्ता? तो शहीद स्मृति बहुत फेमस स्कल्प्टर है, आर्टिस्ट, देवी प्रसाद राय चौधरी स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं। देवप्रसाद राय चौधरी के चित्रण का जो सब्जेक्ट मैटर था वो अधिकांशतः क्या हुआ करते थे? पशु, पुरुष, महिला, या फिर पर्यावरण?
फीमेल्स को ज्यादा इन्होंने कैप्चर किया। मेन सब्जेक्ट मैटर इनकी जो थी महिला। भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सुसज्जित किए हैं? देवप्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, हल्दर या फिर नंदलाल बोस? नंदलाल बोस ने सुसज्जित किए थे। भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ इन्होंने डेकोरेट किए थे। ओके, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, नंदलाल बोस के कला गुरु कौन कहे जाते हैं? नंदलाल बोस ने जो एजुकेशन लिए थे वो किससे लिए थे? ए एन टैगोर, अवनीनाथ टैगोर से एजुकेशन लिए, और ये 1922 में शांति निकेतन में एज ए प्राचार्य इनरोल्ड हो जाते हैं। ओके, हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया है? हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी रॉय या फिर असित कुमार हल्दर? हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर नंदलाल बोस ने बनाए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या बनाई गई थी? भारतीय ग्रामीण जीवन, पौराणिक कथाएं, रामायण या फिर महाभारत? भारतीय ग्रामीण जीवन। नौ बंगाल शैली के जन्मदाता या फिर नौ बंगाल शैली के कलाकार कौन हैं? फाउंडर ऑफ न्यू बंगाल स्कूल, क्षितिनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, यामिनी रॉय या फिर अमृता शेरगिल? नौ बंगाल शैली के जन्मदाता कहे जाते हैं नंदलाल बोस। नेक्स्ट, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना, शांति निकेतन, कोलकाता या फिर मुंगेर? इनका जन्म हुआ था मुंगेर, खड़गपुर, बिहार में। ठीक है, मुंगेर, खड़गपुर, बिहार में। कब जन्म हुआ था? 1800, कहीं आपको 82 देखने को मिलेगा, कहीं पर 83, तो दोनों डेट ऑफ बर्थ आप ध्यान रखें। गांधी की डांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी की डांडी यात्रा, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, ए एन टैगोर या फिर शैलेंद्रनाथ डे? गांधी की डांडी यात्रा, ये काफ़ी फेमस है नंदलाल बोस का। बनाए किसमें थे? एक तो इन्होंने लीनो कट में भी बनाए हैं, लीनो कट प्रिंटिंग में डांडी मार्च बनाए थे, डांडी यात्रा, ओनली डांडी यात्रा, या फिर गांधी की डांडी यात्रा लीनो कट। शिल्प कथा व रूपावली नामक पुस्तक के लेखक या फिर रचयिता कौन कहे जाते हैं? शिल्प कथा, शिल्पकला, और रूपावली, ये सारे पुस्तक हैं नंदलाल बोस के। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कोलकाता, शांति निकेतन वीरभूमि, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई या फिर बनस्थली विद्यापीठ जयपुर? नंदलाल बोस एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे 1922 में, कहाँ पर? शांति निकेतन वीरभूमि में। सो फाइनली आज की क्लास में 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, 52 सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं 53 क्वेश्चंस से डिस्कस करूँगी। क्वेश्चंस कैसे लगे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इवन इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और प्लीज़ एवरीवन लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगैन वेरी वेरी थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो बेस्ट विशेज फॉर योर एग्ज़ाम। निम्न में से कौन से चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित थे? पद्म विभूषण अवार्ड सर्वप्रथम 1954 में मिला था किसे? नंदलाल बोस को। ओके, इम्पॉर्टेंट है। नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार किए थे? नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार किए थे 1921 में, और लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में 1910 में इन्होंने अजंता गुफा की प्रतिलिपियां भी तैयार की हैं। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां नंदलाल बोस और भी काफ़ी सारे लोग थे उनके साथ साथ, आप उनका नाम याद रखिएगा, अवनीनाथ, असित कुमार हल्दर का भी। ओके, शांति निकेतन में किस विषय पर पढ़ाई हो नहीं होती है? कौन से ऐसा एजुकेशन है जिसकी यहाँ पर डिग्रीज नहीं मिलती हैं? चित्रकला, पॉटरी, मूर्तिकला या फिर व्यावसायिक कला? तो व्यावसायिक कला, अप्लाइड आर्ट्स की डिग्री नहीं मिलती हैं। ओके,
रामकिंकर बैज ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? शांति निकेतन, श्री निकेतन, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। रामकिंकर बैज ने एजुकेशन लिए थे शांति निकेतन से, किससे? इनके कला गुरु कहे जाते हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के दो स्टूडेंट तो आपको मोस्टली याद रखना है, एक तो आप रामकिंकर बैज का नाम याद रखिएगा, दूसरे विनोद बिहारी मुखर्जी का, और इनके साथ साथ थर्ड एक और है सुधीर रंजन खास्तगीर, ये भी नंदलाल बोस के स्टूडेंट हैं। रामकिंकर बैज का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या फिर मुंबई। रामकिंकर बैज का जन्म हुआ था बंगाल में। कब जन्म हुआ था? 1906 कहीं पे मेंशन होता है, कहीं पर 10, इस टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन मूर्तिकार है? एमएफ हुसैन, रणवीर सिंह विष्ट, अनुपम सूद या फिर रामकिंकर बैज। निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? एमएफ हुसैन ही वॉज ए फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम पैक ग्रुप, ओके, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1947-48 समथिंग। सेकंड, रणवीर सिंह विष्ट, ये बाढ़ के दृश्यों की पेंटिंग्स बनाने के लिए बहुत फेमस हैं, भारत के प्रभाववादी इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट कहे जाते हैं। थर्ड देखते हैं अनुपम सूद, ही वॉज ए फेमस फॉर प्रिंट मेकिंग फील्ड, ग्रुप 1819 से, ग्रुप 8 से बिलोंग करती हैं अनुपम सूद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है डी, रामकिंकर बैज प्योरली प्रॉपर तरीके से स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं। रामकिंकर बैज के कला गुरु कौन थे? यामिनी रॉय, नंदलाल बोस, एमएफ हुसैन या फिर इनमें से कोई नहीं। रामकिंकर बैज के टीचर कहे जाते हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस से रामकिंकर बैज ने एजुकेशन लिए थे शांति निकेतन में। रामकिंकर बैज थे क्या थे? चित्रकार, साहित्यकार, मूर्तिकार या फिर कवि। रामकिंकर बैज एक फेमस स्कल्प्टर थे, स्कल्प्टर आर्टिस्ट मूर्तिकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उम्र के 67 जो हैं उस टाइम ड्यूरेशन में कौन सी पेंटिंग्स करने शुरू किए थे? नृत्यकला, सितार, तबला या फिर पेंटिंग। तो पेंटिंग करना शुरू किए थे, इंक से या फिर अपने फिंगर से ही इंक पे पेंटिंग करते थे कॉटन की हेल्प से। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1901 ईस्वी में वीरभूमि पर कला भवन की स्थापना किए थे 1919 में। फिर इसी कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो जाता है 1921 में, और 1913 में इनको गीतांजलि पर अवार्ड मिला था, नोबेल पुरस्कार। 1915 में इनको भारत में सर्वप्रथम नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक में स्थापित यक्षयक्षिणी नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा निर्मित की गई? देवप्रसाद राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, रामकिंकर बैज या फिर इनमें से कोई नहीं। यक्षयक्षिणी बहुत फेमस स्कल्प्टर है। 427 इसका डायमेंशन कहा जाता है, 65 में बनाई गई स्कल्पचर है रामकिंकर बैज की, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में है। टैगोर के व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? देवप्रसाद राय चौधरी, A.N. टैगोर, रामकिंकर बैज या फिर MF हुसैन। टैगोर का व्यक्ति चित्र बहुत फेमस रहा था, किसने बनाया था? रामकिंकर बैज ने। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है टैगोर का व्यक्ति चित्र, तो इसके लिए मैं दो ऑप्शंस आपको बताऊंगी, इसलिए क्योंकि देखिए रामकिंकर बैज ने भी बनाए थे, इवन A.N. टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाए थे, तो दोनों ही आप ध्यान रखें, बस मटेरियल इन लोगों का चेंज है। लास्ट जर्नी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतिम जर्नी, अंतिम सफ़र कह सकते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की बहुत फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग में कैप्चर किया गया है रेड कलर के टोन में कैमल को बनाया गया है, कैमल वुड को। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार या फिर कवि। तो रविन्द्रनाथ टैगोर प्रॉपर तरीके से स्कल्प्टर आर्टिस्ट में, स्कल्प्टर आर्ट में काम ही इन्होंने नहीं किया है, मूर्तिकार नहीं थे, चित्रकार भी रहे थे अपने लास्ट स्टेज में, मतलब डेथ के थोड़े एंड में बनाए ही थे, साहित्यकार तो थे ही थे, कवि भी थे। निम्नलिखित में से कौन आबन ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं?
अबन ठाकुर के नाम से फेमस हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, चित्रनाथ मजूमदार या फिर देव प्रसाद रॉय चौधरी। अबन ठाकुर के लिए फेमस रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में स्कल्पचर्स भी बनाए थे, मूर्तियाँ कांस्य में लाइक ब्रॉन्ज में किसने स्कल्पचर बनाए थे, शांति दवे, सोमनाथ होर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर राम कुमार। कांस्य ब्रॉन्ज में बनाए थे सोमनाथ होर, जो पेपर पल्प के लिए बहुत फेमस रहे हैं। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1901, 1905, 1919 या फिर 2000, 1921 समथिंग। शांति निकेतन में कला भवन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1919 में हुआ है। फिर इसी कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी कर दिया गया था, कब, 1921 में, इस टाइम ड्यूरेशन में। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं, बंगाल पुनर्जागरण टाइम ड्यूरेशन के, यूरोपीय शास्त्रीय शैली, आधुनिक विमुष शैली या फिर प्राचीन शास्त्रीय शैली। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स बनाई गई थी वो कौन सी पेंटिंग्स की शैली को डिपिक्ट करती हैं, किस प्रकार की इनकी पेंटिंग्स होती थी, तो इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो बंगाल पुनर्जागरण से संबंधित। वो कौन से चित्रकार थे जिनकी कर्म भूमि जोड़ासांकू थी, देवप्रसाद रॉय चौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। कर्मभूमि जोड़ासांकू अवनींद्रनाथ टैगोर की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स किस शैली की है, विमुष शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली। अवनींद्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स हैं उसकी शैली कौन सी है, बंगाल शैली। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, बी शांताराम, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। नोबेल पुरस्कार अवार्ड 1913 में इनको गीतांजलि पुस्तक में मिला था, कौन सी बुक, गीतांजलि पुस्तक किसे मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र, प्रथम चित्र है शुक्लाभिसारे, कम्प्लीटली भारतीय शैली में बनाई गई पेंटिंग शुक्लाभिसारे किसकी है, के हैबर, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर केस कुलकर्णी। अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स हैं। आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाए थे, राजा रवि वर्मा, यामिनी रॉय, एन टैगोर, नंदलाल बोस। तो इस तरह का जो है राजस्थानी, मुगल राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार एन टैगोर ने बनाए थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, दो ऑप्शंस दिया है 1882, 1883। तो मैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दोनों करेक्ट करूँगी, इसलिए क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर 1882 करेक्ट कर देते हैं, कभी 83। तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा करेक्ट होने का चांसेस हो सकता है, अगर दोनों ऑप्शंस में हो तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1882 समथिंग कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार, बिहार के मुंगेर खड़गपुर नामक गांव में। द्रावड़ कोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा काश्य मूर्ति किसकी है, द्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांस्य की मूर्ति, वीएस गायतोंडे, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर देवी प्रसाद रॉय चौधरी। सो इस तरह के स्कल्पचर्स कंप्लीट किए थे डीपी रॉय चौधरी ने। नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी थी, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर्स में, तेल या फिर ऑयल, सेम हो गया इंग्लिश में ऑयल, हिंदी में तेल और या फिर टेम्परा। तो नंदलाल बोस की जो ज़्यादा मोस्टली पेंटिंग्स बनाई गई हैं ये बेसिकली किससे एजुकेशन लिए थे, आपको पता है ना, इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से एजुकेशन लिया था। अवनींद्रनाथ टैगोर तो बेसिकली वॉश टेक्निक के लिए फेमस थे, बट इनके स्टूडेंट टेम्परा में ज़्यादा काम किए हैं और टेम्परा के लिए यामिनी रॉय भी बहुत फेमस हैं। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली, जवाहरलाल नेहरू, ई वी हैवेल, सुबो टैगोर या फिर महात्मा गांधी। नंदलाल बोस ने प्रेरणा लिए थे महात्मा गांधी से।
नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित हैं? लाहौर, लखनऊ, मुंबई या फिर शांति निकेतन? तो ये शांति निकेतन से संबंधित है, जस्ट बिकॉज इन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर से एजुकेशन लेने के बाद 1922 में शांति निकेतन में एज अ टीचर इनरोल्ड हुए थे। निम्न में से वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किए थे? ए एन टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर असित कुमार हल्दर? सो हियर द राइट आंसर इज सी, नंदलाल बोस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्न में से वो कौन से कलाकार थे जिन्होंने बंगाल शैली में कोई नवीन प्रयोग किया था? तो नंदलाल बोस ही रहे थे। रवींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तंत्र कला, सिंक्रोनिज्म, सरलिज्म, सुरेलवाद या फिर बंगाल स्कूल? तो ऑफ कोर्स रवींद्रनाथ टैगोर एज ए फाउंडर, फादर, जन्मदाता बंगाल स्कूल के कहे जाते हैं। बंगाल स्कूल जिसका टाइम 1895 से लेकर 1920 तक का था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? रवींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर या फिर इनमें से कोई नहीं? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1907 समथिंग 1907 में, इसका नींव रखे थे गगनेन्द्रनाथ टैगोर, और इसमें 5 भारतीय प्लस 30 अंग्रेज विदेशी थे, या फिर किसी में मेंशन कहीं कहीं पे होता है 5 भारतीय प्लस 25 अंग्रेज विदेशी रहे थे मेंबर्स। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? एनएस बेंद्रे, यामिनी रॉय, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर अमृता शेरगिल? सो हियर द राइट आंसर इज बी, यामिनी रॉय। निम्न में से कौन रवींद्रनाथ टैगोर या फिर रवींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में से नहीं है? तो देखिए, आपको पता है ना, देवप्रसाद राय चौधरी इनके स्टूडेंट हैं, क्योंकि बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार 1929 ईस्वी में इन्होंने मद्रास कला विद्यालय में किया। नंदलाल बोस हैं क्योंकि इन्होंने 1922 ईस्वी में शांति निकेतन में बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार वॉश टेक्निक का किए। असित कुमार हल्दर जो 1925 ईस्वी में लखनऊ में वॉश टेक्निक का प्रचार प्रसार करते। तो ये तीनों तो इनके स्टूडेंट हैं, बट गोपाल घोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोपाल घोष कोलकाता ग्रुप के मेंबर्स हैं। कोलकाता ग्रुप का जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1943-53 तक ये ग्रुप चला था कोलकाता में ही, जिसके जन्मदाता प्रदोष दास गुप्ता कहे जाते हैं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी, के जी सुब्रमण्यम, रवींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस? शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत का जो भित्ति चित्र रेडी किए थे वो कौन किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। निम्न में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं? शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, ईश्वरी प्रसाद या फिर मुकुल चंद्र डे? ईश्वरी प्रसाद, जस्ट बिकॉज ईश्वरी प्रसाद ही वॉज बिलोंग टू कंपनी स्कूल, कंपनी स्कूल से बिलोंग करते हैं, उसके अंतिम कलाकार हैं, और सेवक राम कंपनी स्कूल के प्रथम कलाकार हैं। 18वीं से 19वीं सदी का है कंपनी स्कूल का टाइम। 1943 ईस्वी में कंपनी स्कूल की खोज पीसी मानक ने किए थे। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन कहे जाते थे? आधुनिक भारतीय चित्रकला के फादर पितामह कहे जाते हैं ए एन टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर, जी एन टैगोर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सो हियर द राइट आंसर इज बी, रवींद्रनाथ टैगोर। ओके, कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? ई वी हैवेल, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, के ए मजुमदार, के एन मजुमदार? कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कहे जाएंगे ई वी हैवेल। कब प्राचार्य बने थे? देखिए, 1884 में तो ये मद्रास कला विद्यालय में प्राचार्य बने, और 1896 में कोलकाता कला विद्यालय में प्राचार्य बनते हैं अर्नेस्ट बेनिफील्ड हैवेल।
इनमें से कौन असंबद्ध है? KCS पानिकर, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, मुकुल चंद्र डे। असंबद्ध कौन कहे जाते हैं इनमें से? मुकुल चंद्र डे, क्योंकि KCS पानिकर, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, दीज ऑल आर फेमस आर्टिस्ट, बट मुकुल चंद्र डे ही वॉज प्रिंट मेकर। इंडिया में फर्स्टली इन्वेंशन किए थे इन्होंने कौन सी टेक्निक का? तो एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किए थे, जिसे अम्लांकन कहा जाता है। प्रोफेसर मदन लाल नागर कौन थे? चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या फिर ग्राफिक आर्टिस्ट? प्रोफेसर मदन लाल नागर एक फेमस चित्रकार कहे जाते हैं। अमृत लाल नागर के ब्रदर थे मदन लाल नागर। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? तो चिंतामणि कर कहाँ पर प्रधानाचार्य थे? कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स या फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स? सो हियर विच वन इज द राइट आंसर? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है? पैन एशियनिज्म एशियाई कला अवधारणा, यूरोपीय कला अवधारणा, पश्चिमी कला अवधारणा या फिर अफ्रीकी कला अवधारणा? एशियाई कला अवधारणा। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य अवनीन्द्रनाथ टैगोर, सुधीर रंजन खास्तगीर, असित कुमार हल्दर या फिर रणवीर सिंह विष्ट? असित कुमार हल्दर। आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी कौन थी? इनकी मिसेज स्टेला क्रैमरिश, स्टेला ब्लाश, रत्ना देवी या फिर इनमें से कोई ने? आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी की मिसेज थी स्टेला ब्लाच। ओके, वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? पेंटिंग ऑफ अवनीन्द्रनाथ टैगोर फेमस पेंटिंग 2008 की, पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, शिव कुमार या फिर अवनीन्द्रनाथ टैगोर? सो हियर द राइट आंसर इज सी, आर शिव कुमार। ओके, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? आज बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार गणेश पाइन है या फिर गणेश हलोई? तो देखिए, आज बंगाल के प्रसिद्ध कलाकार गणेश हलोई हैं। A.N. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तैल रंग, मिश्रित रंग माध्यम, वॉश पेंटिंग या फिर पेस्टल कलर्स? वॉश पेंटिंग। ओके, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपीय शैली में चित्रकारी की है? नंदलाल बोस, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा? देखिए, ठेठ यूरोपीय है लाइक वेस्टर्न स्टाइल, जिनके सब्जेक्ट मैटर इंडियन लेकिन स्टाइल और टेक्निक वेस्टर्न होती थे, वो थे राजा रवि वर्मा। इन्होंने इंडिया में फर्स्टली ऑयल कलर का इन्वेंशन किया है। टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड्स किस माध्यम में निर्मित है? कास्ट, टेराकोटा, लौह, कांस्य? आउल एंड बर्ड्स इन्होंने वुड कास्ट में बनाए थे। किस कलाकार ने कास्ट और कपड़े के बने कुटुम शिल्प कृतियों की रचना की? कार्टुम कुटुम शिल्प कृतियों की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, रामकिंकर बैज या फिर अजय चक्रवर्ती? सो हियर द राइट आंसर इज बी, अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने। अवनीन्द्रनाथ टैगोर के दल में निम्न में से कौन नहीं थे? सुरेंद्रनाथ, A.S. गुप्ता या फिर नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, शैलेन्द्र डे, उकिल चंद्र डे, रविशंकर रावत? सो हियर द राइट आंसर इज
डी रविशंकर रावल ने थे, क्योंकि ये बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप से। अवनींद्रनाथ टैगोर का टेम्परा व वॉश पद्धति में बना पेंटिंग्स है यात्रा का अंत, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट जर्नी। लास्ट जर्नी पेंटिंग कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो देखिए, इनकी जो लास्ट जर्नी है यात्रा का अंत प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे। भारतीय व ईरानी कला परंपरा सेकंड है। भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद थर्ड है। ईरानी कला परंपरा व चीनी फोर्थ वन। भारतीय कला परंपरा व अफ्रीकी कला। तो अवनींद्रनाथ टैगोर प्रवर्तक थे, किसके प्रवर्तक थे? भारतीय परंपरा व यूरोपीय यथार्थवाद। ओके, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती पेंटिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है, सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय, या फिर अलाहाबाद संग्रहालय। नंदलाल बोस की शिव व सती कहाँ पर सुरक्षित है प्रेजेंट टाइम? तो ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। नंदलाल बोस ने अपना प्रसिद्ध चित्र डांडी मार्च किस विधि में बनाए थे? डांडी मार्च ये कौन सी विधि में बनाए थे? टेम्परा, वॉश, ऑयल कलर्स, या फिर लिनोकट। तो डांडी मार्च इन्होंने रेडी किए थे लिनोकट में। कागज़ पर जल रंग से बना चित्र रासलीला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय विच आर्टिस्ट? नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, चित्रनाथ मजूमदार, या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह की पेंटिंग्स कंप्लीट किए थे रासलीला से रिलेटेड चित्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट, जिन्होंने 1942 के समथिंग बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किए थे। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की प्रसिद्ध पेंटिंग्स लैला कहाँ पर प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज संग्रहालय नई दिल्ली, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर, या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। सो हियर द राइट आंसर इज ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। 1940 के टाइम ड्यूरेशन के समथिंग मेघदूत किसने चित्रित किए थे? शादाचरण उकील, रामगोपाल विजयवर्गीय, के वेंकटप्पा, या फिर राजा रवि वर्मा। रामगोपाल विजयवर्गीय की मेघदूत श्रृंखला बहुत फेमस है। रामगोपाल विजयवर्गीय को उनके किस काव्य संग्रह पर राजस्थान एकेडमी ने कविता पुरस्कार से सम्मानित किए? कौन सा अवार्ड मिला? कविता अवार्ड मिला। अभिसार निशा, तीन नारियां घड़ा लिए हुए, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनको कौन सी पेंटिंग्स पे मिला? अभिसार निशा पर मिला था कविता पुरस्कार। भारत माता शीर्षक चित्र बनाया गया, भारत माता। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट एम एफ हुसैन की तो फेमस है ही है। उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, श्रीपूर्ण घोष, अमृता शेरगिल, या फिर सभी। तो देखिए, आपको पता है ना कि इन्होंने तो बनाए ही बनाए हैं। श्री पूर्ण घोष ने भी बनाए, अमृता शेरगिल। सो हियर द राइट आंसर इज डी। सर, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1947, 1905, 1957, या फिर 1875। सो हियर द राइट आंसर इज सी, 1875 समथिंग। किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा भित्ति चित्र रेडी किए थे? कौन सी पूजा? नटीर पूजा। अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, निरोध मजूमदार। तो नटीर पूजा बहुत फेमस रहा था, किसकी पेंटिंग है? फोर ऑप्शंस देख लीजिए, ये नंदलाल बोस की बहुत फेमस है नटीर पूजा, वो भी भित्ति चित्र है, शांति निकेतन में बनाए थे चीनी भवन में। भारत में पुनरुत्थान या फिर पुनरुद्धार कला आंदोलन, जिसे बोलते हैं रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट, इसके अध्यानक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर,
अब्दुलरहमान चुगताई या फिर नंदलाल बोस। सो हियर द राइट आंसर इज बी अवनीनाथ टैगोर। प्रसिद्ध चित्र द अरेबियन नाइट्स निम्नलिखित में से किस कलाकार की पेंटिंग्स है? राजा रवि वर्मा, जेपी गांगुली, ए आर चुगताई या फिर अवनीनाथ टैगोर। तो ये पेंटिंग्स बनाए थे अवनीनाथ टैगोर ने। इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग पर्सी ब्राउन, ई वी हैवेल, आनंद कुमार स्वामी या फिर प्रेमचंद्र गोस्वामी। इंडियन स्कल्प्टर एंड पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली, किसकी है? ई वी हैवेल की, अर्नेस्ट बेनिफील्ड हैवेल। प्रसिद्ध चित्र कमल पत्र पर अश्रुपात कागज पर जल रंग वॉश ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर। सो हियर द राइट आंसर इज बी अवनीनाथ टैगोर की है, कमल पत्र पर अश्रुबिंदु कागज पर जल रंग में। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एट मिसेज मिदीज हाउस, मिसेज मोदीज हाउस ये बहुत फेमस पेंटिंग है जो एचिंग अमलांकन में बनाई गई हैं। नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, मुकुल चंद्र डे या फिर जय झोरावटिया। तो ये फेमस पेंटिंग है आर्टिस्ट मुकुल चंद्र डे की। 1939 समथिंग बिहार के किस मूर्धन्य कला प्रेमी के निजी प्रयास से पटना में कला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जीवित ज्योति चटर्जी, बैरिस्टर राधा मोहन। सो हियर द राइट आंसर इज सी बैरिस्टर राधा मोहन। अन्नपूर्णा एवं गांधारी किस चित्रकार की कृतियां हैं? अन्नपूर्णा व गांधारी राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, नंदलाल बोस या फिर अवनीनाथ टैगोर। नंदलाल बोस की है अन्नपूर्णा एवं गंधारी। दसपुर की दुल्हन, दसपुर का वधु तो ध्यान रखना है आपको रामगोपाल विजयवर्गीय का है, और दसपुर का दुल्हन, दसपुर की वधु कह लें या फिर दसपुर का दुल्हन जो 1983 में बनाया गया था, यह है रामगोपाल विजयवर्गीय का पेंटिंग। में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1986 में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी की प्रसिद्ध चित्र है प्रोसेशन, शोभा यात्रा जिसे कहते हैं, कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला एकेडमी नई दिल्ली या फिर दिल्ली कला दीर्घा नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में है। निम्न में से किस चित्रकार की कृतियां इंडिया एट ए ग्लास में प्रकाशित हैं? असित कुमार हल्दर, के एच आरा, एस एच रजा या फिर यामिनी रॉय। असित कुमार हल्दर वह कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है, अवनीनाथ टैगोर, चिरनाथ मजूमदार, असित कुमार हल्दर या फिर गंगनेन्द्र नाथ टैगोर। बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है गंगनेन्द्र नाथ टैगोर, जस्ट बिकॉज इन्होंने कौन से स्टाइल में काम किया, क्यूबिज्म स्टाइल में, और अवनीनाथ टैगोर के ब्रदर हैं, बड़े भाई जिनका जन्म 1867 में हुआ था और इनका हुआ था 1871 में, ये छोटे भाई थे। निम्न में से प्रसिद्ध मूर्तिकार राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना अध्यक्ष रहे थे, संस्थापक अध्यक्ष कौन रहे थे नई दिल्ली के? सुधीर रंजन खास्तगीर, देव प्रसाद रॉय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता। सो हियर द राइट आंसर इज बी देवप्रसाद रॉय चौधरी।
द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पर स्कल्प्टर स्पिक्स नामक लघु फिल्म किसके द्वारा बनाए गए मूर्ति शिल्पों पर आधारित है? शांकु चौधरी, सोमनाथ हो, रामगिंगा वैज, चिंतामणिकर। सो हियर द राइट आंसर इज डी, चिंतामणिकर की मूवीज हैं द ग्रेविंग सिमेज। भारत माता औरंगजेब एग्जामिनिंग द हेड ऑफ दारा शिको, बुद्ध एंड सुजाता, द लास्ट जर्नी आदि पेंटिंग्स किसकी हैं? यामिनी रॉय, रविनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर अवनीनाथ टैगोर। तो आपको पता है ना कि भारत माता वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग डन बाय अवनीनाथ टैगोर। निम्न में से कौन से बंगाल शैली के कलाकार आजादी से पूर्व मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते थे? समरेंद्रनाथ गुप्त, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, चित्रनाथ मजूमदार या फिर प्रमोद कुमार चटर्जी। सो हियर द राइट आंसर इज बी, देवी प्रसाद रॉय चौधरी। नंदलाल बोस किसके विद्यार्थी थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर। अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट कहे जाएंगे। नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पेंटिंग्स है पारसार्थी। पारसार्थी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। इसमें कितने चश्म चेहरे यूज़ किए गए थे? कृष्ण के मुख में कितने चश्म चेहरे हैं? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग कहा जाएगा नंदलाल बोस की ये पेंटिंग है पारसार्थी। पारसार्थी पेंटिंग्स में कितने चश्म चेहरे यूज़ हुए? एक चश्म। एक चश्म चेहरे आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? मुगल स्कूल, राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल और दक्षिणी स्कूल में। डेढ़ चश्म चेहरे ओनली कंपनी स्कूल में देखने को मिलेंगे, ठीक है, कंपनी स्कूल में। और पौने दो चश्म चेहरे कहाँ देखने को मिलेंगे? पौने दो चश्म चेहरे आपको देखने को मिलेंगे सित्तनवासल की गुफा और ईरानी शैली में। बचा लास्ट सवा चश्म चेहरे, तो सवा चश्म चेहरे आपको देखने को मिल जाएंगे पाल, अपभ्रंश और एलोरा के द्वितीय स्तर में। ओके, अवनीनाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र अंतिम यात्रा जिसे बोलते हैं लास्ट जर्नी, जिसमें एनिमल में कैमल को रिप्रेजेंट किया गया, इनकी जो लास्ट जर्नी पेंटिंग्स है अवनीनाथ टैगोर की, वो कौन से कलर स्कीम में सेलेक्ट की गई है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि रेड कलर के बैकग्राउंड में है। अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा चित्रित चित्र राधिका वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? राधिका पेंटिंग काफ़ी फेमस है, वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है? भारत कला भवन वाराणसी, राष्ट्रीय आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, स्टेट म्यूजियम लखनऊ या फिर राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका। तो यहीं पर राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका में। नंदलाल बोस की चित्रकला शैली किस पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली से प्रभावित हैं? अजंता भित्तिचित्र, केरल भित्तिचित्र, देवगढ़ भित्तिचित्र या फिर लिपाक्षी भित्तिचित्र। तो इनकी पेंटिंग्स आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी अजंता भित्तिचित्रों में। नंदलाल बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन के लिए निर्मित किए गए पोस्टर का माध्यम क्या था? वॉश, टेम्परा, फ्रेस्को या फिर ऑयल कलर्स। तो पोस्टर का जो माध्यम था वो था टेम्परा टेक्निक। अवनीनाथ टैगोर द्वारा निर्मित पेंटिंग्स है लास्ट जर्नी, जिसे हिंदी में अंतिम यात्रा बोलते हैं, कौन से एनिमल्स को कैप्चर किया गया है? तो कैमल को, ऊंट को। ओके, एंड हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अवनीनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? डेलिसल्पी चक्र से तो बिल्कुल नहीं है, प्रगतिशील कला ग्रुप से भी बिल्कुल नहीं है, बंगाल शैली से भी या फिर चोलमंडल। तो देखिए, आपको पता है ना कि ये बंगाल स्कूल के फाउंडर कहे जाते हैं, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1895 से 1920 तक का कहा जाता है, और दिल्ली शिल्पी चक्र 1949 का टाइम है, जिसके फाउंडर बीसी सान्याल है। पैग ग्रुप का टाइम है 1947-48 समथिंग, जिसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं एफ एस सूजा। चोलामंडल ग्रुप का टाइम है 1966, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं केसीएस पानिकर। निम्नलिखित में से कौन सा नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पेंटिंग शिव, उसका मीडियम बताना है, ऑयल कलर्स, फ्रेस्को, वॉश एंड टेम्परा या फिर रेखांकन।
तो इन्होंने जो शिव बनाए थे वो वश एंड टेम्परा में बनाए थे। निम्न में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित पेंटिंग्स राधिका, उसकी टेक्निक कौन सी है? अब्दुल रहमान चुगताई की राधिका बहुत फेमस है, उसकी टेक्निक ऑयल कलर, वॉश, एक्रेलिक या फिर ड्राई पेस्टल, तो इन्होंने वॉश टेक्निक में बनाए थे। सो फाइनली 138 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। जो भी प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट से रिलेटेड था। अब मैं नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट और भी शेयर करूँगी क्वेश्चन 139 से। ओके, सो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्लासेस कैसी लगी। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।